हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी कांग्रेस प्रेसिडेंट, प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ में तीन या चार या पांच वर्किंग प्रेसिडेंट्स बनाने चाहिए और उस तरह से बाकी के राज्यों में बनाए गए थे। महाराष्ट्र के अंदर भी ये प्रक्रिया लोकसभा से पहले होनी थी मगर किसी कारणवश ये प्रलंबित रह गया और अभी जो कल इसका निर्णय लिया गया है तो मैं पार्टी के अध्यक्ष राहुल जी का और तमाम सीनियर लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है यंग का एंड सीनियर लीडर का। बाला साहब थोराट जी जो है वो अध्यक्ष है, नितिन राहुल जी है, यशोमती ठाकुर है, विश्वजीत खेड़ा है, बसवराज पाटिल है। तो रीजन वाइज भी कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से रखा गया है और जिम्मेदारी जो है अभी जिस तरह से भी प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग बैठ करके नक्की करेंगे और जो AICC का गाइडलाइंस होगा उस तरह से करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले इस असेंबली चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस जो है बेहतर होगा, अच्छा होगा। विधानसभा का चुनाव करीब है, आप भी खुद कैंडिडेट हैं, किस तरह की भूमिका रहेगी विधानसभा में आपकी? विधानसभा के चुनाव में अभी कैंपेन कमेटी के जो प्रमुख हैं नाना भाव पटौरे को बनाया गया है। आज ये भी मैं नागपुर से आया, हम दोनों एयरपोर्ट पर थे, वो दिल्ली गए हैं और कैंपेन कमेटी जो है वो निश्चित करेगी कि किस दिशा में और किस तरह से कैंपेन का काम किया जाए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है और अब जो है मुसलमानों को वो रिझाने की कोशिश कर रही है, आप भी एक मुस्लिम चेहरा है और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कांग्रेस में क्या वो कमज़ोर हो गए और सबको साथ में लेकर चलने की ये उनकी कवायद है, आपको जो है कांग्रेस की आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल सर्वधर्म समभाव की पहले से ही है जो इस देश की घटना है। इस देश की घटना कॉन्स्टिट्यूशन में भी सर्वधर्म समभाव के ताल्लुक से ही लिखा गया है, बताया गया। इस देश की घटना को ही कांग्रेस अपनी घटना समझती है और विशेष रूप से चुनाव के वक्त में किसी विशेष समाज के लोगों को रुझाने का और इसलिए इस तरह का निर्णय करने का ये कांग्रेस में कभी भी नहीं हुआ। मैं महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी भी कई साल से हूँ, AICC में कई मतलबों में काम कर चुका हूँ। तो ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की जवाबदारी जब दी जाती है तो कास्ट कॉम्बिनेशन ठीक है अपने रीजनल बैलेंसेस को देखा जाता है मगर बेसिकली ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल और एक्सपीरियंस किसके पास है। एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अब संगठन में? अब वर्किंग प्रेसिडेंट का मतलब यही होता है कि प्रेसिडेंट ही होता है, प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? करने वाला प्रेसिडेंट आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? विधानसभेला लक्षात घेऊन पक्षाने अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राहुल गांधींनी, CWC आणि महाराष्ट्राचे इन्चार्ज असलेल्या सचिवांनी हा प्रस्ताव पारित केलेला आहे आणि आम्हाला त्या ठिकाणी कार्याध्यक्ष म्हणून नेमणूक केलेली आहे। येणारी विधानसभेमध्ये अत्यंत कमी वेळामध्ये आम्हाला अत्यंत चांगला परफॉर्मन्स देण्याची आमची ही आमचाही प्रयत्न राहणार आहे आणि म्हणून पाच अध्यक्ष केलेले आहेत तर महाराष्ट्रातले पाच रिजनमध्ये जाऊन प्रचार यंत्रणा राबवणं, प्रचार करणं आणि त्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचणं, जनसंपर्क करणं, संघटना बळकट करणं, मतदारसंघामध्ये लोक कसे निवडून येतील याच्यासाठी प्रयत्न करणं हा आमचा बेसिक फंडा काम राहणार। आप भी कैंडिडेट है और आप पर भी थोड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर आप कमजोर पड़ जाएंगे कैंपेनिंग के लिए? अभी जितने जुड़े प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाला साहब थोराट साहब सुद्धा विधानसभा लड़ना है, नितिन राउत साहब सुद्धा विधानसभा लड़ना है, बसवराज पाटिल पण लड़ना है, यशोमती ठाकुर पण लड़ना है, विश्वजीत कदम पण लड़ना है, मुजफ्फर हुसैन पण लड़ना है। तो जो निवडणूक लड़तो तो पक्ष संघटना चालू शकतो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आप सबका आभारी, धन्यवाद।